राधौगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जयवर्धन सिंह अपनी पत्नी के साथ पहुंचे अपने मत का प्रयोग करने, साथ ही बड़ी ही शालीनता से उनकी पत्नी एवं वह लाइन में लगकर अपना नंबर आने का इंतजार करते नजर आए। जब जयवर्धन सिंह की पत्नी से यह पूछा गया कि आप लाइन में क्यों लगे तो उन्होंने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि हम भी आम आदमी हैं, इसलिए लाइन में लगकर अपने मत का प्रयोग किया। परिवार है, हम बहन हैं, बेटे हैं, इस मौके पर जयवर्धन सिंह काफी व्यस्त नजर आ रहे थे। अपनी बारी आने का इंतजार तकरीबन एक घंटे तक करते रहे, लेकिन उनके चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। अपनी बारी आने पर उन्होंने बड़ी सादगीपूर्ण तरीके से मत का प्रयोग किया। आईडी पीछे कर लेना। पाँच साल में विधायक बना हूँ, लगातार मैं जनता के बीच जाकर जनता का पूरा सेवा करने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि रावण के सभी मतदाता जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सबका आशीर्वाद मुझ पर और कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी आप क्षेत्र में भी जाएंगे क्या? जी जरूर, जहाँ जहाँ लेकर एक और मतदान केंद्र देखेंगे कि वहाँ पर मतदान कैसे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही मतदाता को। क्या देखने मिल रहा है कि ईवीएम बड़ी खराब हो रही है? जी, लगभग 25 से 30 ईवीएम खराब हुई है रावण में। लगभग 10% से अधिक जो टोटल बूथ है वहाँ पर खराब मशीनें प्राप्त हुई हैं। और संयोग की बात यह है कि पिछले चुनाव में जहाँ जहाँ बूथ ईवीएम खराब हुई है, सब मतदान केंद्र से हम पिछली बार जीते। वहीं उनके बड़े भाई आदित्य विक्रम सिंह भी अपनी पत्नी के साथ वोट डालने पहुंचे।